नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे रेटून मैनेजर को जल्दी से जल्दी क्यों चलाएं। मतलब खेत आपका जितना खाली हुआ और उसमें ही रेटून मैनेजर क्यों चला दें जल्दी से जल्दी। तो ये वाला खूड यहाँ तक, इधर ये इसकी कटिंग हुई थी 25 अप्रैल को, ठीक है। ये 7 खूड खाली हो गए थे, तुरंत ही इसको हमने काट दिया। उसके बाद इधर यहाँ से ये हुए जी लगभग 27 अप्रैल, 2 दिन बाद ये कटिंग करी 27 अप्रैल को। तो अब आप ये देखो 2 दिन में कितना अंतर आया फुटाव में, बढ़भार में। तो कहीं ना कहीं पैदावार में भी फर्क पड़ेगा। इसकी हाइट हो चुकी है लगभग आपका एक फुट के आसपास और ये अभी 5 से 6 इंच, लगभग 5 से 6 इंच इसकी हाइट है। तो रेटून मैनेजर को खेत आपका जितना भी खाली हुआ तुरंत 7 के साथ चला देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी खूड आप छिलाई करवाएं उसे बिल्कुल पार करवा दें। ये नहीं कि 8-10 खूड रख लिए और उसे बीच में छोड़ दिया, नहीं, अपना 4-5 खूड रखो और उन्हें आर पार करवा दो बिल्कुल। तो उसमें फायदा ये है, आपका खेत समय से खाली हो जाएगा और समय से रेटून मैनेजर चल जाएगा। और रेटून मैनेजर तो साथ के साथ इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आपका खेत खाली हुआ, आप ये सोचेंगे कि पूरा खेत खाली करके तब चलाएं, तब इसमें नुकसान होगा क्योंकि जो गन्ने का फुटाव है वो हो जाएगा और गन्ने का फुटाव होने के बाद फिर हम उसे काटेंगे, फिर दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, गन्ने को ज्यादा जोड़ लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए रेटून मैनेजर को साथ के साथ चला देना चाहिए, तभी पैदावार अच्छी आएगी। और ये तो इस बार तो आप ये लगा लो 1 मई है आज तारीख, 1 मई में अभी तक मील चल रहे हैं और अभी 10 से 15 दिन और चल जाएगा। अभी हमारा रह गया 6 से 7 7 8 8 ट्रोली गन्ना रह गया और लगभग 8 दिन और लग जाएंगे अभी डालने में इसको। तो हम तो ऐसे कर रहे हैं, अपना जो भी खेत खाली, वो जितने भी खूड खाली हुए साथ के साथ रेटून मैनेजर चला दिया। अब इसमें 1-2 दिन में पानी लगा देंगे और फिर इसकी खुदाई करा देंगे तो फुटाव अच्छा आ जाएगा। कोई स्प्रे नहीं किया इसमें, कुछ खाद नहीं डाला अभी तक और बढ़िया फुटाव आ रहा है और पौधा भी स्वस्थ है। ये अंतर है जी 2 दिन का, इधर ये 25 अप्रैल, उधर ये 27 अप्रैल, केवल 2 दिन का। तो भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।